दिनारा स्वास्थ्य केंद्र के हाल बेहाल, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर ना हो पाने से नहीं हो पा रही जांच और पट्टी। कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी के चलते लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सूढ़ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ लैब टेक्नीशियन ना होने से किसी भी बीमारी की जांच नहीं हो पाती। इसके अलावा ड्रेसर ना होने से घायलों की पट्टी तक नहीं हो पाती। वहीं बीएमओ भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कभी भी फोन नहीं उठाते। ऐसे में आमजन परेशान है। जानकारी के अनुसार दिनारा अस्पताल में हमेशा हाईवे के पर घायल होकर लोग आते हैं। ऐसे में कोई ड्रेसर ना होने के कारण घायलों का प्राथमिक इलाज तक नहीं हो पाता। अस्पताल में समय पर ना तो ओपीडी खुलती है, ना ही स्टाफ आता है। अधिकांश स्टाफ समय से पहले ही घर रवाना हो जाता है। अस्पताल में कब से कब तक किसकी ड्यूटी और कितने लोग ड्यूटी पर आते हैं, ऐसा कोई सूचना बोर्ड नजर नहीं आता। रात में पूरा अस्पताल एक नर्स के भरोसे रहता है। रात में कोई मरीज या घायल अस्पताल पहुंचता है तो उसको स्टाफ ना होने की बात कहकर जिला अस्पताल में जाने के लिए बोल दिया जाता है। मामले को लेकर ग्रामीण रामकली का कहना है कि अस्पताल में बिजली ना होने से अंधेरा रहता है। रात के समय अस्पताल में केवल एक सिस्टर रहती है और डिलीवरी के लिए प्रसूता अधिक आ रही है तो परेशानी हो रही है। वहीं सुमन बाई ने कहा कि डॉक्टर ना तो समय पर आते हैं, ना ही अन्य स्टाफ। ऐसे में काफी परेशानी होती है। अच्छा, खून की जांच कराने आए, फिर क्या हुआ? बच्चा है ना? नहीं तो अभी यहाँ पे खड़े हैं आप, कोई है नहीं हॉस्पिटल में? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ से आए? चौसीजा। अच्छा, तो आपने अभी डॉक्टर से बोला नहीं? नहीं, अभी हम माँ भी आए हैं, वो बैठे नहीं है। कोई बैठा नहीं है। मगर यहाँ लोगों की जाँच नहीं होगी, बगैर जाँच की आप दवाएं देंगे, ये कैसे संभव होगा? देखिए, जब अब जांच का जो जांच है उसके लिए अपन करेंगे और लेटर लिखेंगे, सीएमएचओ सर से बोलेंगे। नहीं, जैसे आपने अभी कहा है ना कि हम मरीज आएंगे देखेंगे उनको, लेकिन संभवतः जब जांच हो पाएगी तभी तो देख पाएंगे हम। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो कहीं ना कहीं अवेलेबल हो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास रख रहा हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिलीवरियों में ₹500 डिलीवरी वाली व्यक्तियों से लिया जाता है और किसी ने नहीं बताया अभी, किसी ने नहीं। अगर ऐसी समस्या ऐसी समस्या ग्रामीण जन से आती है हमारे ब्रिंड मीडिया के कानों, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप मेरे आश्वासन, मैं बिल्कुल चीजें पता हूँ। जैसे कोई मांग रहा है तो सामने वाला हमें शिकायत तो करे। हाँ बिल्कुल, ये सिस्टर यूज कर रही है, अगर वो करता है तो आप कार्रवाई करेंगे संबंधित विभाग पर, लिख देंगे और नोटिस देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ अपने यहाँ कितने डॉक्टरों की पदस्थापना है? अपने यहाँ अभी तो हम दो ही है। कौन कौन? डॉक्टर ब्रजकिशोर रावत की भी पदस्थापना दिनारी में, वो अभी कर्तव्य स्थल पे नहीं है ना, तो उनकी नहीं, नहीं तो वही हम वैसे हम तो रिकॉर्ड में पूछ रहे हैं ना कितने डॉक्टर पर। रिकॉर्ड में तो एक ही है, बाकी रिकॉर्ड में तो अभी हम दो ही जने हैं। हाँ, वो नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ सीएमएचओ सर ने या बीएमओ ने अटैच किया है, जहाँ जिसने वो किया है तो वो वहीं पर माना जाता है, अटैचमेंट माने जाएंगे ना, पदस्थापना तो उनकी दिनारी कहलाएगी। ऐसे तो पदस्थापना तो देखो, जैसे भी कई और भी डॉक्टर्स हैं जो सुविधा व्यवस्था बनाने के चक्कर में ऊपर से कर सक, ऊपर से ही होता है ट्रांसफर, तो ये कई फिर होते एक दो साल, मतलब जो एक दो महीना रहता उसी टाइम होता है। जब अगर कहीं डॉक्टर नहीं है, यहाँ तीन डॉक्टर हैं या दो डॉक्टर हैं और कहीं एक भी नहीं है, पदस्थापना पे आ गया, अटैचमेंट पे आया आप? मेरा तो यहाँ अटैचमेंट है। अटैचमेंट,